नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रदेव चंद्रमा की। चंद्रदेव यानी चंद्रमा को हम बहुत ही मन का भाव मानते हैं, जल का मानते हैं, मानसिक शांति और विदेश यात्रा का भाव भी मानते हैं। लगन में 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना एक स्थान होता है। लगन पहले भाव को इस तरह, धन भाव से दूसरा भाव इस तरह होता है। चंद्रमा आपके 12 भाव में बैठ के क्या फल देंगे, इस पर विचार करते हैं। चंद्रमा आपके अगर लगन में बैठे हैं तो ये दिखा रहा है कि आप धनवान होंगे, चंचल होंगे, दीर्घायु होंगे, घमंडी भी होंगे, भावुक तो होंगे ही, गुप्त रोग से कुछ पीड़ा भी हो सकती है, कुछ विचारों में अस्थिरता भी दिखाती है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ साथ पराक्रम में वृद्धि भी कर रही है, बलिष्ठ भी बना रही है और आपको धन का कभी अभाव नहीं रहेगा। सरकार के कामकाज में रहेंगे, इसका मतलब सरकारी नौकरी के भी या सरकारी ठेकों के स्वामी हो सकते हैं आप, ऐसा ये विदित कर रहा है आपके लगन भाव में चंद्रमा बैठकर। चंद्रमा आपकी लगन के दूसरे भाव, जिसको हम धन का भाव बोलते हैं, अगर बैठे हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी, वाणी भी मधुर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपकी आंखें सुंदर और बड़ी बड़ी होंगी। और एक बात बताते हैं, अगर यहाँ पे उच्च का चंद्रमा बैठा है यानी कर्क राशि में बैठा है तो स्त्रियों से आप बहुत प्रेम करेंगे और आपका शरीर बहुत सुंदर होगा। चंद्रमा अगर आपके साहस भाव, जिसको तृतीय भाव को हम साहस का, छोटे भाई बहनों का बोलते हैं, अगर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं इसका यश बढ़ेगा, परिवार के सुख में वृद्धि होगी और साहसी भी होगा। मीडिया में यानी कि आईटी इंडस्ट्री के साथ साथ ये किसी मीडिया इंडस्ट्री में भी जा सकता है। तीसरे भाव का जो स्वामी होता है, जीवन में छोटी छोटी बहुत सारी यात्राएं कराता है, भाइयों का सुख, छोटे भाइयों का सुख होता है, ऐसे व्यक्ति को पराक्रम में और भाग्य में वृद्धि भी तृतीय भाव में चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा का अपना ही भाव होता है चौथा भाव, जिसको हम सुख का, माता का भाव बोलते हैं। अगर इसी भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपके माँ के सुख में वृद्धि होगी और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, स्त्री धन सब सुख मिलेंगे और विद्वान तो आप होंगे, समाज में आपका काफी मान सम्मान होगा और हर तरह के सुख भोगेंगे। वान तो आपके पास बहुत सुंदर होगा क्योंकि चौथे भाव को हम वान का भाव भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ है, माँ का संबंध कई बार खराब भी हो जाता है अगर यहाँ चंद्रमा थोड़े नीच के हैं, उच्च पद भी मिलता है यहाँ पे। पंचम भाव को हम संतान का, रोमांस का भाव बोलते हैं। अगर चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है तो आप तेजस्वी होंगे, आपकी बल और बुद्धि में काफ़ी वृद्धि होगी और सिद्धांत होगा आपका, आप प्रेमी हैं और प्रेम से रहेंगे, यानी प्रेम आपके जीवन का मूल मंत्र होगा, खुश मिजाज भी होंगे, साहसी भी आप होंगे। पंचम भाव में कई बार अगर नीच का चंद्र होता है तो संतान में दोष आ जाता है और पुत्रहीन आदमी हो जाता है और गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। कुंडली के छठे भाव को हम ऋण का भाव बोलते हैं, रोग का भाव बोलते हैं। चंद्रमा अगर आपके छठे भाव सिक्स हाउस में बैठे हैं तो आपका हर तरह से नकारात्मक पहलू होगा और आप कोई भी जो काम है वो सोच के करेंगे लेकिन आपको मानसिक संताप मिलेगा, हमेशा चिंता की झलक आपके चेहरे पर दिखाई देगी, चाहे आप जितना मर्जी उसको छुपाने का प्रयास करें। छठे में जो चंद्रमा है वो अल्पायु देता है, कम उम्र देता है, पेट का रोग देता है, अपमान भी देता है और बहुत बार हार भी देता है, जीवन में रोगी भी हो सकते हैं और इसमें चतुर भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और होती है, आप पियक्कड़ होंगे यानी पीने की आदत होगी और आपका किसी विधवा से संबंध हो सकता है। सप्तम भाव विवाह का, पार्टनरशिप का, मुकदमे का और विदेश यात्रा का भी होता है। चंद्रमा अगर किसी के सप्तम भाव में बैठे हैं, सेवंथ हाउस में बैठे हैं तो विदेश यात्रा का योग बना दिया इसने, चंद्रमा ने आपको विदेश यात्रा सेटल करने की कोशिश कर रहा है पत्नी या पति के साथ। ऐसे व्यक्ति रति क्रिया यानी कि सेक्सुअल लाइफ में बहुत ही निपुण होते हैं, ऐसे लोगों को पर स्त्री यानी दूसरी स्त्रियों पर आसक्त होने की में कोई संकोच नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को, लड़का या लड़की को, बहुत ही सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। किसी भी व्यक्ति के अष्टम भाव को हम आयु
मृत्यु अपमान और छुपे धन के बारे में बोलते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ विराजमान है आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा यहाँ पे शुभ फल नहीं देंगे। चंद्रमा में अष्टम भाव होना, अष्टम भाव में चंद्रमा का होना आपके क्रोध को बढ़ाएगा, आप सन की टाइप के हो जाएंगे और बहुत बार आप कंट्रोल से बाहर होंगे, यानी कोई आपकी समस्या भी नहीं समझ पाएगा, गलत कामों में भी आपका दिमाग जाएगा। पत्नी के कारण संबंधियों से आप अलग भी हो सकते हैं। किसी भी कुंडली के नौवें भाव को हम भाग्य का भाव बोलते हैं। भाग्य पिता गुरु का भाव होता है। चंद्रमा अगर नवम भाव में बैठ गए तो क्या फल देंगे दोस्तों? अगर किसी कुंडली में चंद्रमा नवें भाव में बैठा है तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, समाज में परिवार में बहुत ही लोकप्रिय हैं, अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आप भाग्य के नाम पर खाली नहीं बैठेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, मेहनत करेंगे हर तरह से। आपका धार्मिक विचारों का भी मन करेगा, साफ मन होगा, उन्नति करेंगे, पुत्रवान भी होंगे और आपको अच्छी स्त्रियों से सहयोग मिलेगा। प्रसन्न चित्त रहना नवे भाव का मुख्य फल है। बुद्धिमान भी आप होंगे चंद्रमा के इस भाव में बैठने के कारण। कुंडली का दसवां भाव सबसे मुख्य भाव होता है, जीवन की सारी समस्याओं का कारण भी यही होता है और जीवन में बढ़ोतरी का कारण भी होता है। इसको कर्म भाव बोलते हैं। व्यापार, नौकरी, पावर, सरकार से सहयोग, इस दसम भाव को बोलते हैं। दशम भाव में, टेंथ हाउस में अगर चंद्रमा विराजमान है तो ये चंद्रमा आपको बुद्धि में वृद्धि दे रहे हैं। बुद्धिमान होंगे, कार्य कुशल व्यक्ति होंगे, यात्राएं करेंगे, उनसे बार बार लाभ होगा और बार बार बदलाव कर सकते हैं जीवन में, और इन बदलावों के कारण ही आपके जीवन में हर तरह की सफलता मिलने का योग बन जाता है। दशम में चंद्रमा आपको अनेकों पुत्र देते हैं, अच्छी पत्नी देते हैं, लंबी उम्र देते हैं, आराम पसंद भी मनाते हैं और प्रचुर मात्रा में संपन्नता, धन दौलत और ऐश्वर्य के दर्शन कराते हैं आपको आपके जीवन में। कुंडली का ग्यारहवां भाव लाभ का भाव बोलते हैं, इनकम का भाव बोलते हैं, धन का भाव बोलते हैं। ग्यारहवें भाव में चंद्रमा अगर बैठे हैं तो चंद्र का फल यहाँ पे अच्छा माना जाता है। धन धान्य से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति, संतान के सुखों से युक्त होता है, हमेशा लाभ की चिंता बनी रहेगी और लाभ आपको प्रेरणा स्रोत होगा और लाभ के कारण आप कोई भी काम करेंगे। व्यवसाय में, ज़्यादातर व्यवसाय में ही हम बोलते हैं, नौकरी में भी कोई काम करेंगे, अगर धन की आपको उसमें अपेक्षा होगी तो आप बहुत मेहनत से काम करेंगे और उसमें तरक्की भी मिलेगी आपको। किसी भी कुंडली के बारहवें भाव को हम व्यय का भाव बोलते हैं, विदेश यात्रा का बोलते हैं, मृत्यु का, जेल का और बेड प्लेजर का भी बोलते हैं। अगर चंद्रमा आपके बारहवें भाव में बैठे हैं तो आप अवश्य ही शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे, क्योंकि आप कभी भी अपने फैसलों से अड़िग रहेंगे और उन फैसलों के कारण आपको हानि होगी और इस हानि के कारण आप मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे। ऐसे बारहवें भाव में अगर ये बैठते हैं चंद्रमा, तो आपको डिप्रेशन का भी काफी अंदेशा रहता है, दरिद्र भी होता है, नीच भी होता है, चिंताग्रस्त भी होता है।